नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित पोखरियाल आपके साथ। आप देख रहे हैं ऑपरेशन होटल लापता। आज इस खास पेशकश के जरिए हम आपको ऑनलाइन होटल बुकिंग करने वाली कंपनियों के बारे में ऐसे सबसे रूबरू करवाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए भारत एक्सप्रेस के लिए अजय चौहान और राजू गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सावधान, कहीं आप लुटेरों की नजर में तो नहीं। क्या खतरे में है आपकी प्राइवेसी? भारत एक्सप्रेस का नया खुलासा। ऑनलाइन फ्रॉड का नया खेल ऑपरेशन होटल लापता। खुफिया कैमरे में कैद एक चौंकाने वाली कहानी। कहानी जो बिखरी हुई है कई शहरों में। कहानी जो उलझी हुई है कई पतों में। कहानी जो सुनाई पड़ेगी कई लोगों की अलग अलग आवाजों। इस कहानी में रंगीन रातें गुजारने की डील नजर आएगी। इसमें इंटरनेट है, बुकिंग है और कुछ लोगों की गिद्ध दृष्टि है। जगह जौन से दूर सन्नाटा है, अंधेरा है, कुछ साए हैं और नोट है। एक ऐसा सच जो ठीक सामने है लेकिन आप देख नहीं पाते। इसीलिए भारत एक्सप्रेस ने किया एक बड़ा अंडरकवर मिशन। कई शहरों में फैला हमारा खुफिया कैमरा और बुनता चला गया एक जाल। यही है ऑपरेशन होटल लापता। ऑपरेशन होटल लापता, नाम सुनकर मुमकिन है आपके जहन में कई ख्याल आए। आपको लगे कि शायद हम किसी होटल की बात करेंगे, होटल जिसमें कई बड़े राज होंगे, कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। जी हाँ, सही समझा आपने। लेकिन यहां एक नहीं, कई कई होटलों की तलाश है, क्योंकि ये होटल रंगीन रातों की बुकिंग से जुड़े हैं। तो चलते हैं दिल्ली से सटे नोएडा की एक अंधेरी गली में और देखते हैं ऑपरेशन होटल लापता का पहला चैप्टर क्या कहता है। दिल्ली से सटा नोएडा का सेक्टर 50, हिलता जुलता हमारा खुफिया कैमरा और तलाश एक कपल फ्रेंडली होटल की, जिसकी बुकिंग हमने एक बड़ी ट्रेवल कंपनी की वेबसाइट पर की थी। कपल फ्रेंडली, क्या हमारा खुफिया कैमरा इसे डिकोड कर सकेगा? भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स को लव होटलों के बारे में स्ट्रॉन्ग इनपुट मिला। इनपुट चौंकाने वाला था। हमें पता चला कि युवा जोड़ों को प्राइवेसी के नाम पर लुभाने वाले होटल ट्रेवल वेबसाइट्स पर मौजूद है और बुकिंग के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सो जनाबे आली, सुनिए एक बड़ी ट्रेवल कंपनी गो आईबीबो का कर्मचारी किस तरह युवा जोड़ों को लव होटल में फंसने की कोशिश में है। इसमें जैसा कि जो पॉलिसी है, दिस इज अ कपल फ्रेंडली प्रॉपर्टी, अनमैरिड अनरिलेटेड कपल आर अलाउड टू चेक इन। ओके। लोकल आईडी कैन बी प्रेजेंटेड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है कि अगर आप अनमैरिड कपल हैं या अनरिलेटेड कपल हैं तो आप इस होटल में जा सकते हैं। इसके लिए आपको चेक इन के लिए मना नहीं किया जाएगा। यू मीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? जी सर। साफ है
ये होटल जमाने की घूरती आंखों से बचने के लिए युवा पीढ़ी को एक ऐसे होटल में रुकने की सलाह दे रहा है जो कपल फ्रेंडली है। क्या भला है कपल फ्रेंडली होटल, जिसे सरल भाषा में आप लव होटल भी कह सकते हैं। कपल फ्रेंडली का सीधा अर्थ है ऐसा होटल जो ये नहीं पूछता कि आप आपके साथी शादीशुदा हैं या नहीं। वो रूम का दरवाजा खोलने से पहले आपसे शादी का सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, पत्नी और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में भेद नहीं करेगा। जहां आपकी प्राइवेसी महफूज रहेगी और उसके बदले वो मोटी रकम वसूलता है। ये वो होटल है जहां बेवजह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पहचान पत्र का मिलान नहीं किया जाएगा, बुकिंग गुप्त रखी जाएगी। लेकिन कम लोग जानते हैं कि लव होटल के नाम पर शहरों में एक बड़ा जाल बिछाया गया है। इसकी पड़ताल के लिए हमारी खुफिया टीम ने गो आईबीबीओ की ऑनलाइन साइट से नोएडा के सेक्टर 50 के होटल A&V हॉस्पिटैलिटी सर्विस का एक कमरा बुक किया। कमरे का चार्ज 8,878 रुपए। भले ही नाम से होटल गुमनाम लगे, लेकिन उसके कमरे का चार्ज 5-स्टार होटल के लगभग बराबर ही था। हमारा खुफिया कैमरा बुकिंग में होटल के दर्ज पते पर पहुंचा तो सामने जो नजर आया उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने दीवार थी जिस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था गर्ल्स पीजी। गर्ल्स पीजी यानी लड़कियों का पेड हॉस्टल। लेकिन यहां तो हमारा होटल होना चाहिए था, तो होटल गया कहां? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? इसी बीच गर्ल्स पीजी का केयरटेकर सामने नजर आया। मतलब हमने जो होटल गो आईबीबीओ से बुक किया वो जमीन पर है ही नहीं। A&B हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का इस गर्ल्स पीजी के साथ कोई टाई अप नहीं है, यानी गो आईबीबीओ के साथ A&B हॉस्पिटैलिटी सर्विस का कोई तालमेल नहीं है। तो फिर गो आईबीबीओ ने कपल फ्रेंडली का झांसा देकर बुकिंग की क्यों, वो भी 8,878 रुपए में? गो आई बीबो से भी बुकिंग हो रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा था आपका। नहीं, हमारा नहीं है। आप देते नहीं है कभी? बहुत रेयर से देते हैं। अच्छा, आप देते ही नहीं हो? गो आई बीबो या मेक माई ट्रिप, इस पे कोई बुकिंग नहीं होती आपकी? जाहिर है हमारे सवालों के जवाब गो आईबीबीओ के पास थे नहीं, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधि को मानना ही पड़ा कि उनकी कोई डील A&V हॉस्पिटैलिटी सर्विस के साथ नहीं है। आपने अभी होटल में ट्राई किया कि वो लोग क्यों डिनाई कर रहे हैं? मैंने किसी को भेजा था वहाँ पर। सर, होटल पे हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है सर। क्या कहा उन्होंने? सर, वही जो आपने बताया है हमको कि उनका टाई अप नहीं है। हाँ जी, हाँ, तो आपको पता है कि होटल के साथ टाई अप नहीं है आपका, फिर ये क्यों दिखा रहा है मुझे आपके ऑनलाइन? उसके लिए मैं कंप्लेन रेज कर दूंगा सर। और जो हमें ट्रेवल होगा, आप 9,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मतलब ये होटल भी नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल था ये? जी सर, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी टीम प्रोवाइड करेगी सर, वो आपको इसका रेजोल्यूशन। आप एक बात बताइए, कल मेरे साथ यहाँ पर मिस हैपनिंग हो जाती, कुछ हम कुछ लेके जाते अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते, क्योंकि आप ये मतलब कपल फ्री बता रहे हैं ना, विदाउट एनी हेजिटेट यू कैन चेक इन होटल, और हम लेके चले जाते वहाँ, तो गर्ल्स हॉस्टल है और आपका टाई अप नहीं है, तब मेरे साथ क्या होता, उसका कौन जिम्मेदार होता है? सर, हमारी टीम आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाती सर एट अ टाइम। क्या पुलिस हेल्प भी आप लोग प्रोवाइड करवाते? जी सर। गो आईबीबीओ ने इस धोखे के लिए माफीनामा भी भेजा, लेकिन ये इसीलिए क्योंकि हमने उनसे तीखे सवाल पूछे, हमने सवाल पूछने का साहस दिखाया,
लेकिन अगर इस लव होटल के गोरख धंधे में फंसकर कोई युवा जोड़ा इसी होटल को तलाशते हुए आता और उसे ना पता होता तो क्या वो इतने सवाल पूछ पाता? क्या वो युवा जोड़ा इस धोखे की शिकायत कहीं कर पाता? या समाज और परिवार के डर में पैसा लूटने के बाद भी चुप रहता? इस बीच एक और खबर आई, खबर नोएडा के सेक्टर 61 के बारे में, जहां एक और होटल हमारा इंतजार कर रहा है। यकीन मानिए, इस लापता होटल की तलाश काफी मुश्किल थी। यहां तो हमारा मजाक भी बना, जैसे ठगे गए लोगों की लिस्ट में हम भी जुड़ गए हों। ये कहानी है दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 61 की। चलिए देखते हैं खुफिया कैमरे ने इस जगह क्या कुछ देखा, क्या कुछ रिकॉर्ड किया। धोखा, फरेब, चालबाजी, गौर से देखिए इस होटल का नाम मिस्ट्री पैलेस। यह होटल आज भी कई बड़ी ऑनलाइन कंपनीज की ऑनलाइन बुकिंग साइट्स पर दिख रहा है। भारत एक्सप्रेस की टीम ने गो आईबीबो से मिस्ट्री पैलेस नाम के इस होटल की बुकिंग की। इस लापता होटल का किराया था 6,223 रुपए। फिर हमारा खुफिया कैमरा निकला और गो आईबीबो के भेजे गए पते नोएडा के सेक्टर 61 में पहुंच गया। खोजने के बाद भी यहां कोई होटल नहीं मिला। गो आईबीबो ने जो पता दिया वहां इमारत बन रही थी। खुफिया कैमरा इस इमारत में दाखिल हुआ, पूछताछ की तो सामने ही सुपरवाइजर ने रोक लिया। उसने जो कुछ भी बताया वो लव होटल यानी एकांत तलाश रहे प्रेमी जोड़ों के लिए मुफीद होटलों के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े की कलई खोल देगा। मिस्ट्री पैलेस होटल हमारी बुकिंग है आज की। नहीं नहीं सर, ये पहले रहा होगा लेकिन ये काम कर रहा है। ये मिस्ट्री पैलेस होटल नहीं है ना? पता नहीं सर। हाँ कैसे देख रहे हैं साफ था यहाँ कोई होटल नहीं है और 2 साल पहले ही इस प्रॉपर्टी को बेचा जा चुका है। फिर इतनी बड़ी कंपनी यहाँ एक काल्पनिक होटल खड़े कर उसके नाम पर रूम कैसे बुक कर रही है? न सिर्फ बुक कर रही है बल्कि एडवांस में फुल पेमेंट भी ले रही है। आखिर कैसे? तब तक इमारत में मौजूद सुपरवाइजर हमारी टीम पर हंसने लगा, कहने लगा कि क्या आपके साथ भी धोखा हो गया? हमारे बुकिंग है, जगह दो पैसे ले लिए भाई मेरे। नहीं सर, 6,000 रुपए आप दिखाता हूँ ना, 6,000 रुपए। ये बहुत बड़ी कंपनी है कोई, वो इन्होंने डिपॉजिट ले लिया सारा पैसा और ये मेरा चला जाएगा। तो मैं अपना सामान वामान लेके अपने असिस्टेंट के साथ आ गया था, मुझे रुकना था। अब यहाँ पता चल रहा है ये कोई होटल है नहीं। नहीं, ये मिस्ट्री पैलेस, ये आपके जो साथी हैं ये कह रहे हैं पहले इसी रेजिडेंस से पहले कोई होटल रहा है C23 में। छानबीन का सिलसिला जारी था
इस धोखाधड़ी से पर्दा उठाने के लिए हमारे अंडरकवर टीम इस प्रॉपर्टी के पास में ही बने एक और गेस्ट हाउस में जा पहुंची। सन पैलेस नाम के इस गेस्ट हाउस में हमने एक बार फिर इस धोखाधड़ी की तस्दीक की। इसको हो गया 1-2 साल हो गया, लेकिन 1-2 साल ये 2018 में चल रहा था। भारत एक्सप्रेस को यहाँ सब कुछ फर्जी मिला, सो हमने गो आईबीबो से भी सवाल पूछे, कस्टमर केयर में फोन लगाया। 10 फरवरी से 11 फरवरी की आपकी बुकिंग है, बंद होंगे राइट? अभी आप लोकेशन पे है तो वहाँ पे तो ऐसा होटल भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं राइट? हाँ, वहाँ कोई होटल नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन एक मकान है। एक बार अपने प्रॉपर्टी को कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ, शुक्रिया। मैंने भी होटल कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, होटल तो कॉन्टेक्टेबल नहीं है, तो मैंने हायर अथॉरिटीज से कॉन्टेक्ट करके अभी बुकिंग की कैंसिलेशन का अप्रूवल ले लिया है। राइट नाउ हम आपकी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं, फुल रिफंड। कस्टमर केयर ने काफी देर तक केस को भटकाने की कोशिश की, लेकिन थक हार कर आखिर ये स्वीकार कर लिया कि सेक्टर 61 में जिस होटल में बुकिंग की गई है वहाँ कोई होटल नहीं है। पकड़े जाने पर गो आईबीबो ने एक बार फिर हमें माफीनामा लिखा। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली नोएडा में ही नहीं फैली थी, इस कहानी का अगला सिरा तो माया नगरी मुंबई में छिपा था। जी हाँ, मुंबई में भी विचित्र किस्म का लव होटल हमारा इंतजार कर रहा था। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीम का मुंबई में सफर आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ भी होटल की बुकिंग का जाल था, यहाँ भी एक बड़ी कंपनी थी और लव होटल का हसीन खाब बुनने वाले लोग थे। मुंबई सपनों की नगरी, जहाँ एक रात में किस्मत का सितारा आसमान की बुलंदी का सफर तय कर लेता है। यहाँ एक दिन में हजारों लोग अपने सपने को तामीर करने मुंबई आते हैं, लेकिन क्या इस चमक के पीछे एक कालिक भी छिपी है? मुंबई में पहुंची भारत एक्सप्रेस की टीम ने अब एक बड़ी होटल बुकिंग साइट makemytrip.com चुनी। हमने होटल खोजा और मुंबई के उपनगर अंधेरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास होटल मेट्रो पॉइंट को चुना। बुकिंग के साथ ही हमारे फोन पर होटल का पता आ गया, हमारा पता जा पहुंचा लोकेशन पर। लोकेशन तो सही था, लेकिन होटल कहाँ था? ये लव होटल भी लापता था। ये होटल जो मेट्रो इन करके है वो यहाँ पर है? यहाँ पे नहीं है मेट्रो इन, यहाँ पे मेट्रो पॉइंट था, वो अभी बंद हो गई 2 साल से, अभी कहाँ गए कहाँ नहीं गए वो नहीं पता। अभी तो इन्होंने मेक माय ट्रिप ने इस नाम से एक बुकिंग की है, तो जो लोग यहाँ पर आते होंगे वो कहाँ जाएंगे? पता नहीं, अभी तो स्काई महल है, यहाँ मेट्रो इन नाम का कोई होटल नहीं है। नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना, पहले मेट्रो पॉइंट था वो बंद हो गया। बिल्डिंग के गार्ड ने हमें जो कुछ बताया उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि ये बुकिंग उस कंपनी के जरिए की गई थी जिसका विज्ञापन बॉलीवुड का नंबर एक कपल आलिया और रणबीर करता है। हमारी टीम ने फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई, शायद कहीं किसी कोने पर होटल मेट्रो पॉइंट दिख जाए। सर, मेट्रो इन करके कोई होटल है यहाँ पर आपके एड्रेस पे? हाँ नहीं है। अभी कौन सा होटल है यहाँ पर? अच्छा, मेट्रो इन क्या हुआ है यहाँ पर? अब अपना होटल खोजते खोजते हमारी टीम पहुंची एक दूसरे होटल,
इस होटल में हमें पता चला कि ग्राहकों के साथ किस तरह धोखा किया जा रहा है। मुफ्त में सलाह भी मिली कि हमें FIR करवानी चाहिए। सर, मेरी यहाँ पर मेट्रो इन करके आपके एड्रेस पे एक बुकिंग थी, तो ये क्या मेट्रो इन होटल है? आप डिनाई कर रहे हैं बुकिंग के लिए। मेट्रो इन नहीं है। अच्छा, ये कब से आप लोग यहाँ पर हैं? स्काई तो 2 साल पहले मेट्रो इन रहा था यहाँ पर। सर, आप इसके ऑनर हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, ये होटल पहला ऑनर तो नहीं हूँ जी, ठीक है, मगर ये होटल जो नाम से बुक किए वो नाम का होटल ही नहीं है। ओके, ये कहीं 2 साल पहले हो सका होगा जी। भैया, तो आप पहले इधर आए थे क्या? नहीं। तो आपने नहीं आए तो आप कैसा तुमने होटल लेके बुलवा? 2 साल पहले आपको पता, 2 साल पहले भी आपने देखा नहीं होटल है या नहीं है। मैंने अपने पैसा ट्रांसफर कर चुके हैं जी, और इधर आने के बाद आपको पता लगता है वो होटल नहीं है जी। मेरे से प्राउड हुआ जी, बराबर है, राइट। तो ये होटल नहीं है, देख के पुलिस कंप्लेंट करो। ये नाम पे मैंने बुकिंग किया, मेरा पैसा ट्रांसफर हुआ। वक्त आ चुका था जब मेक माई ट्रिप को जानकारी दी जाए, उनसे सवाल पूछे जाए, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए। वैसे कंपनी ने ईमेल पर माफीनामा भेजा और पैसा रिफंड का वादा कर अपना पल्ला झाड़ लिया। कंपनी के ईमेल में ये घोषणा की गई थी कि होटल अब बंद हो चुका है, यानी सच था, ये होटल भी लापता था, लालच की अंधी गली में लापता हो चुका था। आप देख रहे थे ऑपरेशन होटल लापता। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।